जसप्रीत बुमराह ने जो बात बोली है उसके बाद बेसबॉल जो है ना इंग्लैंड वाली, उनको टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक वो सीरीज जिसका इंतजार हमें एक लंबे अरसे से था। लंबे अरसा इसलिए क्योंकि जिमी एंडरसन एक बार फिर से इंडिया आएंगे, एक बार फिर से जिमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली देखने को मिलेगा। हालांकि पहले दो टेस्ट मैच से विराट कोहली बाहर हो गए, उन्होंने पर्सनल रीजन बताते हुए दो टेस्ट मैच से अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन जिमी एंडरसन खेलेंगे, प्रैक्टिस सेशन में नजर भी आए। इन सबसे अलग बैसबॉल एक टर्म है, बैसबॉल वो टर्म जिसका मतलब होता है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि आप बॉलिंग में अटैक करेंगे, आप बैटिंग में अटैक करेंगे और फील्ड पर भी आप बिल्कुल जुनून के साथ खेलेंगे। बैस जो टर्म है, ब्रेंडन मैकलम जब मई में कोच बने थे, मई 2021 में इंग्लैंड के, तब से ये टर्म कॉइन हुई थी और तब से लगातार चल रही है। बैस की सीरीज में बहुत अलग स्टाइल ऑफ क्रिकेट हमने देखा, तो ब्रेंडन मैकलम के स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बैसबॉल कहा गया। अब 25 जनवरी से उस बैसबॉल का टेस्ट इंडिया में होगा, हैदराबाद में पहला टेस्ट खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआत से पहले ही इंग्लैंड के इस बैसबॉल को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें हमारे वाले, यानी कि अपने बैसबॉल वाले नहीं जसप्रीत बुमराह जस्सी वाले, इस बैसबॉल के लिए एक शानदार चीज लेके आए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद अंग्रेज थोड़ी सी दिक्कत में आ गए और इंडिया वाले खुश हो गए हैं। दरअसल जसप्रीत बुमराह के मुताबिक इंग्लैंड के इस अटैकिंग अप्रोच का फायदा इंडियन टीम के बॉलर को मिलेगा। एक मीडिया ग्रुप को उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं बैसबॉल से ज्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन इंग्लैंड को इसके जरिए काफी सक्सेस मिली है। इंग्लैंड का एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल काफी सक्सेस हो रहा है, वो दिख रहे हैं कि इस तरह से भी टेस्ट क्रिकेट को खेला जा सकता है। एक बॉलर के तौर पर मुझे लगता है कि उनके बैटर्स तेज खेलने की कोशिश करेंगे तो मुझे विकेट लेने के ज्यादा मौके मिलेंगे, वो हर बॉल पर मुझे गेम में रखेंगे और इसी के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूं कि इस मौके का कैसे फायदा उठा सकूं। बात अगर इतनी सी होती तो आगे बात नहीं होती, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इसके आगे भी कई सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि मैं जिस दौर का हूं उस दौर के लोगों के लिए टेस्ट क्रिकेट की अहमियत काफी ज्यादा है और मैं हमेशा ही अपने परफॉर्मेंस को जांचने के लिए टेस्ट क्रिकेट को आधार बनाऊंगा। हाँ, मैंने आईपीएल से शुरुआत की थी लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जरिए ही मैंने गेंदबाजी सीखी। तो जसप्रीत बुमराह इस बैसबॉल वाले चैलेंज के लिए तैयार है और न सिर्फ तैयार है बल्कि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही लिए फायदा है। इंग्लैंड का स्टाइल है लेकिन हमें फायदा पहुंचाएगा कैसे? जब अटैक करेंगे तो हमारे पास हर एक बॉल पे मौका होगा। एक पुरानी कहावत है क्रिकेट के अंदर जो कही जाती है कि बॉलर के पास 6 चांस होते हैं जबकि बैट्समैन के पास सिर्फ 1 चांस होता है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह की अप्रोच सीधे रहेगी कि भैया आप अटैक कीजिए, आप मुझे 6 गेंद में 6 चांस देंगे, वरना बॉल लीव करना होता है, डिफेंस करना होता है, तमाम चीजें होती हैं टेस्ट क्रिकेट में। पर बैसबॉल के अंदर डिफेंस वाला तो वो डी हटा ही दिया है, क्योंकि बैसबॉल में जो डी स्टैंड फॉर डिफेंस है वो होता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम उस चीज को करेंगे। इधर बुमराह ने कहा भैया हमारा ही फायदा। बुमराह की बात करूं तो उन्होंने 11 मैचों में करीब 18 के एवरेज से 4 की इकॉनमी के साथ 20 विकेट लिए हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के दौरे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्होंने इस फॉर्म को बरकरार रखा था, अब 12 विकेट उन्होंने वहां भी चटका दिए। ऐसे में उम्मीद करेंगे बुमराह अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ साथ इंग्लैंड को एक बार फिर से वही दुख दें जो बाकी बल्लेबाजों को देते हैं। देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जसप्रीत बुमराह का बुमराह बॉल ये बैसबॉल पे भारी पड़ेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।